सीतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमस्ते वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करते हैं जब परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कि आप जहां भी होइबा जैसे भी होइबा स्वस्थ होइबा तंदुरुस्त होइबा ब्रह्म मुहूर्त में उठल बा और शरीर बात और काया जुन बा एकदम सुरक्षित होई और तंदुरुस्त हो चला भाई बहन लोग आप के पत्र मिलल आलोचना मिलल एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और तोहरा याद होई गल बार हम बात करत जा एगो को विषय पर जो दिलचस्प रहा और विषय के हमने बोल जा कि जाए रखब जा देखत जा कि ब्रह्म मुहूर्त जो हा और कैसे गणित हुएला और उकर से लाभ हो ला। पर लाभ पर आएते आएते बहुत कुछ छूट रहा ता आज हम अतिथि के रूप में हवा आचार्य सुनील जी नमस्ते आचार्य जी नमस्ते भाई धर्म जी और जितना दर्शक लोग हमने के देखा था सो के नमस्ते चला आज के कार्यक्रम में तो और अभिवादन करते जा अतिथि देवो भव जिसे बोल जा की अतिथि देव समान और आज देव मुख से हमने सुनब जा कि ब्रह्म मुहूर्त जो जैसे एगो रिकाप करप जा कौन चाह और कैसे गणित होइला और उपर से कोई लाभ होइला एगो रिकाप के तौर पर एगो ची रिकाप करब जा हमने के बोला कि ब्रह्म मुहूर्त जोन कौन चाह देखा एक वेद में प्रातः रत्नम कहा गलबा और ब्रह्म मुहूर्त एगो अवधि एगो समय और रात्रि के जो अंतिम प्रहर है मतलब कि अब रात्रि समाप्त होता सूर्योदय अभी नहीं होलबा और एकदम प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग और समझिए कि से क्वाज इदमी से लेके लगभग पाँच बजे या साढ़े पाँच बजे के अंतराल में अवधि ह अर्थात यदि ऐसे देख सन सूर्योदय हो हु, आगे ओकर किरण निकले से आगे समझिएगा कि छियानबे मिनट मतलब कि दो मुहूर्त आगे ब्रह्म 96 से आगे समझिए कि जो सवेरे के जो समय हुआ ह लगभग साढ़े तीन चार और साढ़े पाँच के अंतराल में उ व्यक्ति लोग जाग जाते और जागे के जो एको प्राकृतिक नियम ह जैसे सब पशु पक्षी अपन आप से जाग जाला लेकिन मनुष्य उ सुतल ही रहेला नहीं पर कबो कबो आलम भी डाले हुए ला हाँ जगे खाती हाँ जगे खाती और पर अच्छा रे जी एक जब परी माफ करे कि तोरा काटा थे एको ऐसा मिथ्या हा सकब जब बोले या साइंटिफिकली प्रूफ प्रूफ करल गलबा उकर प्रमाण मिलल बाती कि जब ब्रह्म मुहूर्त में uh, परमात्मा से कुछ भी मंगबा तो उपरात्रा स्वीकार होला कहाँ तक सहमत होगा देखा जितना भी हमने प्रार्थना करत करप्शन या कर या विशेष रूप से अभी करत है प्रार्थना के ओकर संगे प्रयत्न जुड़ जाला दोनों पर ही से शुरू होला प्रार्थना और प्रयत्न अर्थात हमने यदि प्रातः काल में जाग करके कोनो चीज के अभ्यास करप्शन मतलब कि प्रयत्न करप सिद्धि मतलब कि सफलता वो कर में अवश्य प्राप्त कर ले जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर में देखबा कि अर्जुन अपन अभ्यास करता विद्या के इतना ले अभ्यास सब कोई सुतल हवन जा में अर्जुन अपन अभ्यास जारी रख लेवा तो एक दिन वो कुछ होल कि ऐसा धनुर्धर होल कि ओसन धनुर्धर जो दर्शक के बात कर जो में में मतलब कि हर एगो विद्या कुछ भी प्राप्त करे खोजब तौजे से प्रारंभ होला मतलब कि हमने भगवान के याद जब करी लसन तब समझिए कि जागृत अवस्था और ब्रह्म मुहूर्त में और जागे की अवस्था के मतलब कि बिस्तर त्याग द और बिस्तर के त्याग के बाद तो हर आलस्य भी चाहना त्याग आलस्य रही और बिस्तर त्याग के फिर से नीचे आ, सो जेब तब तो ब्रह्म मुहूर्त के कोई लाभ नहीं मिली तो स्थिति में हम बोल रहे की प्रातरहतम प्रातरित्वा रत्न मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त ही के बोलल गल्बा मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग उ रत्न के समान मतलब कि रत्न जब बोलत जा कि वौन जोन थेजो हर जौन मूल्य ह वाले वाल्य ओकरा हमने नापे नहीं सकप सन तोले नहीं सकप सन और प्रातरित्वा की हा, जे जागे होला हूगो चीज़ बा एगो ब्रह्म मुहूर्त बा जोन की भगवान के गो वरदान ह और लई होला के हाँ जागे होला जागे होला और हो वैसे बोले रली बेला अमृत गया आलसी सोरा हाँ बन अभागा उकरा अभागा सारे जगे तू ना जागा तो वो लोग के जगाए खातिर अच्छा चला अब हाई सब एको रिकाप रहल आज देखा जा ये कार्यक्रम में कि ब्रह्म मुहूर्त में जब जगबा तो उकर से कुन लाभ प्राप्त हुए कहे कि आज जो ना हर व्यक्ति जो ना मनोवैज्ञानिक बात है हर एगो प्राणी जोन वो अपन लाभ देखेला एगो चींटी भी एगो चिड़ैं भी मनुष्य भी सबसे पहले अपन लाभ देखेला फिर दूसर के लाभ देखेला तो चला आज बताई जा कि ब्रह्म मुहूर्त के अवसर में जब जगबा तो कौन लाभ प्राप्त कर देखा ब्रह्म मुहूर्त में जागे के अपन आप में एगो साधारण बात नहीं है पहला तो एगो तपस्या और हर एगो तपस्या के फल ह और इस स्थिति में जब देखल जाए जैसे तो हर प्रश्न बाकी कौन लाभ तो जब को चीज़ में लाभ नहीं है तो मनुष्य उ चीजवा के नहीं करे, करे खोजी में जब वो लाभ जान जाय तो मन आप से उस स्थिति में चलाए कि नहीं हम जागब और जाने खोजब कि कर में तब देखब सन कि ब्रह्म मुहूर्त में जे जागेला अर्थात हमार अनुभव भी ह जब हमने गुरुकुल में पढ़त हजा समय जो है घंटी बजे और हर एगो छात्र के हिरा चाहे ना ओकर से आगे उठ जाए के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त और उ घंटी बजाय सब कोई बाहर जाए प्रार्थना करे। पर हाँ। आचार्य जी हम तोर, तोर से तोर उम्मीद तो नहीं पूछब लेकिन जो आभाव आ चेहरा में ओकरे से लगेला कि ब्रह्म मुहूर्त के कौन लाभ रहा ला, तोर चेहरा ही से पता चल जला आगे के बढ़ाई जा हाँ देखा ब्रह्म मुहूर्त जोन हाही जाने की कि कौन चीज मिले लाओकर में ओकर में बतावल जाता कि संजीवनी शक्ति अब बोलब कि संजीवनी शक्ति कोची हा एगो संजीवनी हनुमान हाँ, संजीवनी शक्ति से कुछ होला कि जोन तोहर प्राण प्रसुप्त अवस्था में चल गल बा या अब उमृत अवस्था में से कि चल जा स्थिति संजीवनी का मतलब तोहर प्राण जोन बा वापस ला दे तोहर प्राण अर्थात तोहर शक्ति के हजार गुना कर दे तजा पर हमारे पूछी कि जब आदमी जो मरण के जन बेरा में चला बा शयन पर बा यानी कि वो मृत अवस्था तक पहुँच गल बा थे। अब ओके बोल बा बुनेर जागे के उसन व्यक्ति कमजोर रह कैसे जागि न कैसे ऊपर आलस्य जन बीमार के काल हा वो आपति काल हा। और जे कोई बीमार बा भी यदि एगो तपस्या करके जागे के शुरू कर दे तो बीमारी नहीं बोला है कि एकदम खत्म हो जाए में कम से कम हैसन जीवनी जो शक्ति उकरा प्राप्त होकर जीवन में एगो सुधार ला दे और साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में हमने के अमृतमय वीर वायु मिलेला मतलब कि वायु जोन तोहरा शक्ति दे शुद। शुद्ध दे और बोल जाला परम औषधि अर्थात जैसे संजीवनी एगो नाम हषधि के नाम हा। हाँ वो संजीवनी के जौन शक्ति बा जौ गुण बा उ में सम्मिश्रित हो जाला, जब वैज्ञानिक दृष्टि से देख सन कि जब चंद्रमा आकाश में रहला और सूर्य के भी उपस्थिति रहला और रात्रि के समय चंद्रमा भी अपन कार्य करेला अच्छा अब बोलब कि चंद्रमा को सोमदेव काहे बोलिला सन बस की उ सोम अर्थात सोम नामक जन्म औषधि हाला संचार करेला और उक्रे में सोम शक्ति ही में संजीवनी शक्ति हा, मतलब कि जिये के शक्ति हा। अच्छा यानी कि चंद्र जोन होमदेव बोला जा जाकर हाँ, तो जब किरण आवेला धरती पर तो जितना फल फूल ओकर में उ रस भर देवेला मतलब कि उक्रे में जोन सोम शक्ति मतलब सोम रस बोल जा हाँ मान लिया जाए कि कोई भी एगो रस निकल बा, एगो फल से या एगो आ, पौधा या वनस्पति से उ रसवा जोन बा सोम मतलब कि औषधि अर्थात तोहर शरीर में जलन बा तो जलनवा समाप्त कर दे तोहर शरीर में रोग बा तोम शक्ति जेरा एंटीऑक्सीडेंट बोल सन विज्ञान तो उ वा, उ वा, मतलब की भाषा में तीज बा शक्ति बा आंटीऑक्सीडेन्ट मतलब कि रोग से तोहरा बचाई और तोहर जीवन में जो जोन स्फूर्ति आनी मतलब कि तोहर जीवन में शक्ति आनी ऊर्जा आनी तो उ, जो ऊर्जा मई शक्ति हा, उही सोम ह जेकर से तोहरा ऊर्जा के प्राप्ति हो तो स्थितिवा में के काम करेला चंद्रमा अपन काम करेला और सूर्य ओकर किरण से ओकर कार्य अलग हा अर्थात एगो सोम हँ सोम में शीतल शीतल मतलब कि ठंडक और एगो है सूर्य उ गर्मी पहुंचाए और दोनों अपन काम करेलन सा और जब प्रातः समझ जा कहीं न कहीं चंद्रमा बाँटे उसकी धरती में ब्रह्मांड में बा उ अपन सोम के संचार कर दिले बा और संगे ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त पड़ता सकेला ब्रह्म मुहूर्त आज जो समय में मॉरिशस में पड़ी तो जरूरी नहीं बा ब्रह्म मुहूर्त भारत ही में पड़ी परी, परी। कि समय की अवधि मतलब हजा पर परी देखल जाता कि सूर्य के उदय से पहले अभी सूर्य उदय नहीं होल बा सूर्य उठल नहीं बा और रात अभी समाप्त नहीं होलबा त रात्रि के जो अंतिम प्रहर और सूर्य अभी उदय नहीं होलबा उस स्थिति में एगो अमृतमय वातावरण उत्पन्न होला अरे भगवान के देन और मान्य जाय कि वो अमृतमय वातावरण में हमि गुजरत है जा या ओकरा सेवन करत जा या इंतजार में है और उस समय में कोनो कार्य करप सबसे पहला लाभ जोन के शरीर मन बुद्धि और हमने के आत्मा के मिलेगा यानी कि के कर से सब हमने के जितना भी सात्विक गुण बा सात्विकुण बात हो बिल्कुल हाँ मतलब कि जब इ समयवा के सेवन कर जा करते सात्विक गुणवा केकड़ा मिलाता तो हर शरीर के सात्विक गुण तो हर मन के भी प्राप्त होता मतलब कि उस समय मन जोन बा एकदम शांत हो जाला और प्रसन्नता के अवस्था में चलावेला और एगो हल्कापन आवेला शरीर में और तोहर बुद्धि एकदम स्थिरता अर्थात जो कुछ भी सोचब तो समयवा में हो कि हव बुद्धि स्थिर रहला और काम भी अच्छा से करेला यानि कि जितना भी केमिकल्स डिस्बैलेंस हु मिट जाला और उकर से जुनबा बा उ मन में उत्साह भी बढ़ जाला हाँ। और जब उत्साह बढ़ जाला तो एक ढेर मना फायदा रहेला जैसे कि काम करे के मन करी तो और ऊर्जा बढ़ जाए, सब बिल्कुल तो हाँ मान ले कि आप जुनबा बे एक किलो पैदा सब दस किलो पैदा कर रहे बिल्कुल और एकर में आत्मा के प्रसन्नता के अनुभूति होला आत्मा के जौन जौन शक्ति बढ़ जाला और जैसे बढ़ी आत्मा के शक्ति जैसे बढ़ी तोहर इच्छा जोन अधिक से अधिक भौतिकता देने न जाके थोड़ा आध्यात्मिकता देने मुड़ जाला मुरजला जा कि आज दुनिया में ढेर आत्मा लोग दुखी बा हुँ. कब वो प्रसन्न नहीं रहन जा कि, आ, हमर देखे में ब्रह्म मुहूर्त के जोन बात फायदा नहीं उठल खातिर जब ब्रह्म ब्रह्म के मतलब ही है परमेश्वर डिवाइन आब अर्थात जोन में देव देव लोग के वास होला जोन में परमात्मा के ओकर आशीर्वाद रहे और जो स्थिति है नहीं बोलते हैं कि परमात्मा नहीं रही हवे समय रही नहीं उ समय वा हर एगो प्राणी के फायदा के लिए बनल के देन ह भगवान के आशीर्वाद और अपन आप में गो परम औषधि ह जोन अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेला यदि कोई बचपन से लेकर के अवस्था तक है आ, समय के जो ब्रह्म मुहूर्त है, एकरा सेवन करत हो समझिए कि जीवन में जितना भी औषधि है कोनो रोग के रोके त बतावल जला कि हाई जो ब्रह्म मुहूर्त है मुहूर अपन आप में हर एगो जोन बीमारी से लड़ेला और जब व्यक्ति समयवा में उठ करके कोनो भी कार्य करी अभी बताओ कि कौन कार्य चाहना करी के एक में त स्थितिवा में के पहला लाभ शरीर मन बुद्धि और हमनी के आत्मा के मिलेगा अब जब सन दूसर जो लाभ है कोच जैसे अभी आप बता दे कि दूसर लाभ जैसे शरीर अब जब अच्छा बा मन एकदम पवित्र बा बुद्धि एकदम हल्का बा और समझिए कि सतोगुण बा बुद्धि में त स्थिति में हमने के काम करे के जो उत्साह कि जो आउटपुट बा उबर जाला उबर जाला और कार्य करे के जो उत्साह बोलबा कि नहीं हाई आज ही करब और तू अपन मन में संकल्प ले ले बा कि आज के कार्य जितना बा हम पूरा कर दे और आ, काम करे के जो क्षमता मतलब कि जो जितना हानुमा जक बोल सन और क्षमता जो लाफोस बढ़ जाला और एफिशिएंसी, तो तोहर दक्षता तो कार्य करे के जो बढ़ल जो सबसे बड़ा बीमारी दुनिया के बा, वो हम बीमारी की स्ट्रेस आज बा की जितना भी बीमारी एगो व्यक्ति के हुआ था थे, छोटा से बड़ा कैंसर चाहे भी बीमारी मुख्य कारण बताल स्ट्रेस इसकी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठब तब स्ट्रेस के सामना हम सकब करे जब एकर में बतावल गलबा कि ब्रह्म मुहूर्त जौन हँ उ के भगावेला ब्रह्म मुहूर्त जोन हँ वह अपन आप में विशेष रूप से बोलल गलबा की परेशानियाँ से मुक्ति दिलावेला ला कि वो समय ब्रह्म के समय ह डिवाइन आव और जितना चीज में मतलब कि आध्यात्मिकता रहेला जोन परेशानी भी रही नाप से उ दूर हो तोरा ओकरा दूर करे के बाद तोरा में भगवान क्षमता दे देवेला कि नहीं एगो सामान्य स्थिति है अर्थात जितने भी परेशानी है यदि हमने ओकरा बहुत मतलब कि ओकरा दूर रख छोटा पत्थर दिखाई दी एगो छोटा पत्थर की यदि आँख भीड़ रखब तब बुझाए बड़का पहाड़ है त स्थिति में हमने के बोलल जाता कि ब्रह्म मुहूर्त में जब जगब त चिंतन करे के बोलता ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धित ब्राह्म मुहूर्त बुद्धित धर्मार्थ अनुचित अर्थात चिंतन करे के, के करा ब्राह्म मुहूर्त में उठ के दुगो चीज के चाहना चिंतन करे के एक तो धर्म और दूसरा अर्थ अच्छा ये हमने के ऋषि लोग बोले बार देखा तो हर, आ, तो हर नाम भी सौभाग्य से तोहर नाम भी धर्म तो हमने बोली बोल उठ के धर्म और अर्थ मतलब कि जितना धर्म के नहीं हूजा पाठी धर्म के हाँ जितना भी अच्छा कार्य सात्विक कार्य जो हाँ तो उ धर्म एगो परोपकार के कार्य उ धर्म पर आचार्य जी हजा परि देखा हमें सहयोगी और मिन्ता मिन्ता पूछता थी कि बोलत हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ेला उठे के पर उठ के का चाहिए करे के जैसे एक लाभ उठा बिल्कुल उठे के तक ठीक बा अली उठ गई कैसे ही सब लाभ प्राप्त कर कौन चाहे करे देखा लाग? पहला जब उठब त हम दूगो बात बोली एक तो अच्छाई के चिंतन करे मतलब कि जितना चीज जो पॉजिटिव बा सब धर्म ह और जितना चीज़ नेगेटिव संसार में समझ वो नकारात्मक चीज़ जो जोन हूह हा, तोरा हानि पहुँच वो तो एगो अधर्म हर इस स्थिति में एकरा जब ध्यान कर देला कि आज हम अच्छा काम करब आज हम चोरी नहीं करब आज हम कोई से घूस नहीं ले आ, चलेला ना तो आज हम Corruption. आज हम अपन के भ्रष्टाचार में मतलब कि नहीं डूब आज हम जो कुछ करब बहुत ईमानदारी से अपन कार्य करब और दूसर बात बोलेबा अर्थ जब जगल निग मतलब कि अच्छाई भी सोचब और तोहर जीवन कैसे चली तोहर जीवन में जितना उपलब्धि अच्छा, जितना चीज़ प्राप्त जब, कर जब वा, बोला, वा हो जाए। जब अर्थ हो अर्थ मतलब मीनिंग बोलत उपलब्धि उपलब्धि मतलब कि जोन चीज़ तोरा मतलब कि मिली ना बेनिफिट्स अर्थात एगो बुरा काम करब तब के बेनिफिट्स नहीं मिली हालांकि चोरी करके पैसा लुका दे में आजकल में जब पकड़ा गल तो पर ही जेल में जाए के uh -huh. स्थिति मैं जब बोलत है अर्थ जितना चीज उपलब्ध करब वो अर्थ हो जाए। मान ये जाए कि ज्ञान ग्रहण कर हर लिए वो अर्थ हो गल आप एगो काम कर पैसा कमैला हो पैसवा अर्थ हो जाला यदि गलत तरीके से कमा देब तो कर में अ और न डाल देब तु अंत अनर्थ अंत अनर्थ हाँ पर आचार्य जी एगो मान्यता है मिथ्या है ढेर कोई बोल ला कि जो अधर्मी लोग रहा जो बुरा कार्य करेला और लोग सुखी से जीवन ने जा और जान धर्म के राह पर चलला ला जो निमन कार्य करेला सेवा करेला उपकार करेला हमेशा लाथी मिलेला कहाँ तक सहमत देखा बतावल तो गलबा मनु महाराज बहुत बड़ा ऋषि रहल और बहुत बड़ा विचारक भी रहल और वेद के माने होला रहल वो लोग अनुभवी तपस्वी लोग रहल वो बोले ला कि भ्रष्टाचार से फजीर के उठ के मानिए जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नकारात्मक विचार कर ला त अर्थ भी नकारात्मक रही अब चोरी से भ्रष्टाचारी से एगो धन आज ले, ले तब बोलता कि वस बरिस में हबी से लेके दस बरिस में ओकर भयंकर परिणाम व्यक्ति वाला भोगे के आज उ चीजवा बात हो लगे जैसे ओकरा आई नहीं गलत तरीके से अपन घर में आनल त अर्थ हुआ अनर्थ हो जाए बोलिया अनर्थ कर दिलक अनर्थ के मतलब हा कि जोन एगो चीज धर्म से ईमानदारी से नहीं कमाई ले हवा इधर उधर से हेरा फेरी करके अपन पर प्राप्त कर ले हाँ तो स्थिति वह में कुछ भी हो चाहे पैसा हो चाहे कोई कार्य हो या कोई के, आ, कोई के मार के कोनो कार्य होता इस स्थिति वा आज नहीं परी भुक्ते के और मनुजी महाराज बोलता दस बरिस में हमने के ओकर फल लोग जाला और याद रखिय कि ओकर से यदि लैका फैका के आ, देख रेख करत हुआ उ, 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 गलत पैसा से कोई में भी खर्चा करत हुआ ता आज नहीं ता काल सब समेत ओकर सूच समेत हमने के, परी, परी भरे चुकाई के के भरे परी चुकाई के अच्छा चला अभी बोले अब हमने के पास कम थी समय बा अब बोल जा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुंज चाहिए करे के हाँ देखा पहला जो के जो शास्त्र बोलता बोलता कि योग साधना मतलब कि ध्यान के समय हिस्सा और प्राणायाम के प्राणायाम के मतलब पूंजी कि ले लह और आयाम कर मतलब कि अंदर में में, में विस्तार करबा फिर से छोड़बा फिर से ओकरा तो तब प्राणायाम करब तब प्राणवायु सवेरे के समय जौन जो वायु मतलब कि जो औषधि ह जो संजीवनी ह उ तोहर शरीर के रक्त के अंदर जाला और याद करिए कि वोन जो जो संजीवनी हा, जो न हा, जो न हा, है प्राण प्राणवायु है जो ऑक्सीजन तोहर शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी रहेला और कहा जाला कि हमने जब प्राणायाम जा ता हमने के शारीरिक तौर से मानसिक तौर से एगो लाभ पहुँचेला और हमने के स्वास्थ्य अच्छा से बनल रही ध्यान करला से हमने, में, हमने के दिमाग में हमने के बुद्धि में एगो स्थिरता बनल रही और हमने के बुद्धि चंचलता से दूर होते हमने के मन भी चंचलता से अलग हो जाला और आगे बतावता कि जो लाभ इस समय में चला अध्ययन करे के खास करके जो विद्यार्थी लोग यदि इस समय में अध्ययन करी तो बहुत समय ले रिटेनिंग पावा मतलब कि आ, विज्ञान के दृष्टि से बोलप सन कि एकर से रिटेनिंग पावर बढ़ेला और हमने के धारणावती बुद्धि जन पठन पाठन के बात करत हो पढ़े के चाहिए लोग बख्त यानि सुचारू रूप से चले खाली लावेल एग्जाम नहीं बख्त लाभ एग्जाम उठ के जब रिविजे कर ली गई एग्जाम दी तब पास हो उठ नहीं पोछ होला जब भी सवेरे उठ के लाभल एग्जाम में तो लौन चीज पढ़ लब स्ट्रेस से पढ़त हो तो जितना चीज़ रिटेन होल बा हमेशा उ एगो फ्लो में चल जाला और चीज बा फिर से याद नहीं आ स्थिति में जब प्रतिदिन ओकरा पढ़त हें अध अध्ययन करत ह पठन पाठन करत तो उ हमेशा याद रहेला और आगे बोलता कि विशेष रूप से इस समय बा संध्या वंदना के हा। मतलब कि भगवान के ध्यान करे के और इ समय वैदिक दृष्टि से अग्निहोत्र करे के हा अग्निहोत्र मतलब कि एगो छोटा हवन जो में आहुति देबह और आहुति दिला से पूरा वातावरण समझिएगा शुद्ध हो जाला और जोन धार्मिक ग्रंथ ओकरा पढ़े के जो ओकर में विधान कर लग और ऐसा करला से कौन चीज होला कि हमने के जीवन में जोन स्थिरता आई ओकर से कोनो भी कष्ट कोनो भी मान लीजिए कि बाधा रही या बड़ा से बड़ा दुख रही तो दुख हमनी के लिए दुखी नहीं करेला हाउ दुख हमनी के प्रतीत नहीं होला जैसे एगो तूफान आवेला आप एगो सुरक्षित जगह पर होबह तूफान आ कब आल कब गल नहीं जल ला तो इस स्थिति में कहा जाता कि जब हमने ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके प्राणायाम करते है देखा कितना वृद्ध लोग प्राणायाम करत अभी स्वामी रामदेव के जौन बतावा था और स्वामी रामदेव हमारे गो मित्र रहल हमने संगे पढ़ल हाँ और एक साथ हमने रहल हमने गा एक साथ योग के जो शिक्षा हाला चलैली गुजरात से, से संपर्क रख हाँ अभी भी ले संपर्क बा से। और कभ, कभी भी वाई के रहले वो समय में कोनो कारणवश नहीं आल मैं थोड़ा दिन खातिर आल तो एगो हमने के लिए एगो बहुत सौभाग्य के दिन रहा उस समय मैं चिंता नहीं करा वो आगे आई होला जब आई नहीं कहा कि हम तो ऐसे बोलती हैं अभी तक संपर्क रख लो ये बात ओकर से पूछा कि कोरोना के ओकर कर असर के जिन कमती करे खातिर कौन से कब जाए दावत प्रोग्राम में से कब जाकर पर थीक बात करे और आचार्य जी आज एगो ऐसा विषय के अनलग कि सचमुच हमार मन, हमार अपन खुद के मन गदगदागल और आ जाएल बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, हम यही बोलब सन पहला सुख निरोगी काया अर्थात अपन शरीर के जे संभाल ले ला त समझ अपन जीवन के संभाल सम्भाल और एकरा नहीं संभाले त समझिए कि बहुत कुछ हम खो दे सन जीवन में और जीवन मिलल बा वरदान के रूप में शरीर मिल, मिलल बा वरदान के रूप में ती ब्रह्म मुहूर्त प्रतिदिन आवेला उ भी एगो वरदान है इस शरीर के यदि वरदान से जोड़ देव सन निश्चित रूप से हनिक सुखी सुख प्राप्त कर सन बहुत बहुत धन्यवाद तोहरा ऐल और इतना गंभीर विषय पर हनिक इतना आसानी से चर्चा कर ला और भाई बहन लोग जैसे हमने बोल ला जा कि हर एगो समस्या के समाधान रह पर हम बोलब सुलिशो वेद जी हाँ वेद जोन बातें वो अपने आप में हर समस्या के समाधान लेके उनके के सामने रख ले बा पर चहला उकर में गंभीरता से जाए के मान लो कि समुद्र के गहराई में खजाना रख ला जब तक डुबकी लगा के नहीं जब खजाना निकाले तब तक खजाना प्राप्त नहीं हुई वेद की शिक्षाएं देखते रहिए ये प्रकार के खजाना अंत्य रहब जा तो और साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से शुभरात्रि नमस्ते सवितुर्वरेण्यं फलो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्